वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी गुरु प्यारियो, आपां गुरबाणी दे विच महाराज ने निराकार की भगती करन दा आदेश दिता। पहली गल तो भी जो तुसीं महादेव का दर्शन कहिंदे हो, जेकर जो शिवजी भगवान दियां जो मूर्तियां जां फोटोआं बनियां होईआं ने उन्हां दे दर्शन हुंदे आ ते उह तां इक देखो माया दा चलकारा पैंदा। पर जेकर तुहाडा इन्ना सिमरन हो गया कि तुहाडा मन देवलोक दे विच जाके जो उन्हां दा असल सरूप सीगा जिथे हुण उह समाए होए ने उह दर्शन करदा ते उह भी दर्शन आपां नहीं लैणे, क्योंकि वह फिर मन निराकार की भगती करता करता आकार के दुआले हो जाता। तो जेकर जिवें फोटोआं च बने हुए आ मूर्तियां च बने तो वह तो एक आम माया के चलकारे होंगे। तुसी जो इस तरीके के कोई भी आकार या दर्शन तुहानू सामने आउंदा उत्थे तुसी नेत्र खोल के तो फिर बंद कर लेने आ, तो मुख की नीवी नहीं बैण देनी होंदी सिमरन करदे, थोड़ा जिहा मुख उपर चक के तुसी सिमरन करना। और सिमरन करदिया कोशिश करो भी जो सिमरन करदिया तुहाडे विचार रुक जाते हैं उदो फिर तुसी कला समाध अवस्था सुन दे विच ध्यान की अवस्था दे विच हो जाया करो, खाली खला दे विच ध्यान की अवस्था दे विच हो जाया करो। इहदे नाल फिर चाहे तुसी शिव ओम का जाप करते हो, चाहे ओम नमः शिवाय का करते हो, चाहे राम राम का करते हो, वह एक साडा दुनियावी गुरमंत्र है। जिवें भी असी साधुआं दे नाल जुड़दे हाँ, साधुआं ने जिवें प्रपक्ता की होंगी है वह गुरमत मुताबक फिर वह गुरमंत्र का व्यास थानू जपाउंदे आ। जिवें गुरु नानक दे घर ने वाहिगुरु जपाया, सो पर जाप जपण ते कोई आकार कोई रंग ध्यान नहीं करना, मुख उपर चक के असी जाप करना। जो साडा फिर विचार रुक जाण उस तो बाद असी ध्यान जरूर धरना हुंदा सुनना, कितें मस्तक ते जां कितें ताड़ू ते जां कितें होर नहीं, सिर्फ खाली दे विच। तो फिर मन का टिकाव बनेगा और जिहड़े भी गुरमंत्र ते मन दृढ़ है उसका जाप करके अगे चलो। पर गुरमत होवे, इह ना होवे कि एवें ही आपां कोई शब्द भी जपी जाइए तो बिना तरीकों तो असीं ध्यान भी तरी जाइए, आपका रस्ता भी करी जाइए तो वह रस्ता कितें होर ही साडे मन में लै जाए। पूर्ण दृढ़ता दे नाल पूर्ण रस्ते दे नाल चलना, जिहड़े गुरमुखां दी अगवाई लै रहे हो उन्हां दी अवस्था दे पहले चैक करके फिर अगे चलना। वाहिगुरु जी का खालसा।